बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट या हेयर केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करिए। तो ये ट्रीटमेंट ड्राई, डल, रफ और फ्रीजी हेयर्स के लिए, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे, सूखे, बेजान और बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो गए हैं और टूटते भी हैं बहुत ज़्यादा, तो ये ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस ट्रीटमेंट में हमको सबसे पहले मायोनीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और मायोनीज़ हमको बाज़ारी भी हम ले सकते हैं, लेकिन हेयर मायोनीज़ बनाने के लिए आपको चाहिए 2 एग योक्स, और ये ऑलिव ऑयल है एक्स्ट्रा वर्जन, तकरीबन 1/2 से 1 कप आपको लेना पड़ेगा, और 1 लेमन लेना पड़ेगा। अगर लेमन की जगह आप वाइट विनीगर भी ऐड कर सकते हैं। तो मायोनीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो एग योक्स हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेना है, बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है कि ये बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा गाढ़ी फॉर्म में आ जाए। तो इसको तकरीबन मुसलसल आपका हाथ में रुकना नहीं चाहिए, आपको 2 मिनट्स तक मुसलसल इसको इस तरीके से बीट करते रहना है। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये हमारी जो एग योक्स थी ये गाढ़ी होने लग गई हैं। तो अब हमने इसमें लेमन ऐड करना है और इसको बीट करना है फिर से। तो इसमें लेमन ऐड करते हैं। तो इसमें हमने 2 टीस्पून के जितना लेमन ऐड करेंगे, और एक हाथ से हम लेमन ऐड करेंगे, दूसरे हाथ से हमको मुसलसल बीट करते रहना है। लेमन हमने ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरीके से हम बीट कर रहे हैं जब से मुसलसल। अब बारी आती है इसमें ऑयल ऐड करने की। ऑयल आपने इस तरीके से ऐड करना है कि एक हाथ से आपने थोड़ा थोड़ा 1 या 2 ड्रॉप करके ऑयल ऐड करना है, और दूसरे हाथ से आपने इसी तरीके से इसको बीट करते रहना है। हम ऑलिव ऑयल लेंगे। स्टार्ट में आपने ज़्यादा नहीं डालना, बस 1-2 ड्रॉप डालना है, और इसको मुसलसल इस तरीके से फेंटते रहना है। इसी तरह आपने तकरीबन, अगर आपके बाल ज़्यादा फ्रीजी हैं तो आपने 1 कप इसमें ऑयल ऐड करना है, और अगर थोड़े बहुत फ्रीजी हैं तो आपने 1/2 कप भी आप इसके लिए बहुत देना। तो फ्रेंड्स, देखें, हमारी मायोनीज़ गाढ़ी होना शुरू हो गई है, मायोनीज़ वाली फॉर्म में आना शुरू हो गई है। इसको इसी तरीके से आपने बीट करते रहना है, और ऑयल आपका रुकना नहीं चाहिए, ना हाथ बीट करने वाला रुकना चाहिए। एक हाथ से आपने बीट करते रहना है और एक हाथ से आपने ऑयल इसमें ऐड करते रहना है। तकरीबन 1/2 कप ऑयल हम डाल चुके हैं इसमें, तो अब बस बीट करना है। थोड़ा सा और बीट कर लेंगे, तकरीबन 1 मिनट और बीट करके हमारी मायोनीज़ रेडी हो जाएगी। तो ये देखें, हमारी मायोनीज़ जो है बिल्कुल रेडी है। मायोनीज़ वैसे आपने देखी होगी कि वाइट कलर की होती है, जो हम अपने बर्गर या सैंडविच वगैरह में यूज़ करते हैं, तो वो उसमें एग योक नहीं होती, एग वाइट का यूज़ होता है। ये हमने एग योक से बनाई है, और ऑलिव ऑयल इसमें ऐड किया है क्योंकि ये हेयर मायोनीज़ है और ये हमारे फ्रिजी बालों के लिए है, तो इस वजह से हमने इसकी एग योक ऐड की है। आपको ये बात तो पता होगी कि जो हमारे फ्रिजी हेयर्स होते हैं, जो मतलब ड्राई हेयर्स होते हैं, उनके लिए हमको एग योक यूज़ करना होता है, और ऑयली बालों के लिए हम एग वाइट यूज़ करते हैं। तो जब भी आप कोई भी मास्क वगैरह बनाएं, अगर आपने उसमें पूरा अंडा ऐड करना है तो वो नॉर्मल हेयर्स के लिए होगा, अगर आपके हेयर्स रूखे हैं और फ्रिजी हैं तो उसमें आपको जो है वो एग योक ऐड करनी होगी, और अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आप उसमें एग वाइट का यूज़ करें। तो बढ़ते हैं अपने ट्रीटमेंट की तरफ, प्रोटीन ट्रीटमेंट या हेयर केराटिन ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए, उसमें दही यानी योगर्ट,
योगर्ट पता है आप लोगों को कि बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और अनियन जूस चाहिए तो मैं आपको ये अनियन दिखा रही हूँ, अभी इसका जूस निकाल के दिखाऊंगी आपको। अनियन जूस चाहिए इसके लिए हमको, और ये जो मायनीज हमने अभी बनाई है ये चाहिए, और एलोवेरा जेल चाहिए, एक पूरा अंडा चाहिए हमको, और ये दो फिश ऑयल कैप्सूल्स हैं हमारे पास, ये चाहिए। इनमें भरपूर मिकदार में प्रोटीन होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हमारे बाल टूटने लग जाते हैं और ग्रो नहीं करते और बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, तो ये हमारे बालों में एक नई जान डाल देंगे कैप्सूल। तो और ये प्याज जो है आपको पता है ये हमारी रीग्रो के लिए बहुत अच्छी है, हेयर रीग्रो की। अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो प्याज आप यूज़ करना शुरू कर दें। अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो प्याज उसमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी, हेल्पफुल रहेगी, आपके हेयर फॉल को बहुत ही जल्दी से कम कर देगी, और बाकी के जो इंग्रेडिएंट हैं वो आपके बालों में बालों से फ्रिजनेस को कम करेंगे। तो चलते हैं आगे अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले जो हमने मायनीज बनाई है ये लेंगे, जितनी हमने बनाई है इसकी हाफ क्वांटिटी लेंगे, बाकी आप एक हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप ये ट्रीटमेंट करें तो फिर दोबारा यूज़ कर सकते हैं ये। तो हाफ हमने ये मायनीज ऐड कर दी इसमें, और जितनी हमने मायनीज ऐड की है हाफ प्याली, मतलब उतना ही हमको इसमें योगर्ट ऐड करना है। उसके बाद ये एलोवेरा जेल मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये ऐड कर देंगे, और ये प्याज का जूस मैंने निकाल लिया है, प्याज को ग्राइंड करके उसको छन्नी की मदद से स्ट्रेन कर लिया है। तो ये तकरीबन हमको 2 से 3 चम्मच ऐड करना है इसमें। ये आपकी बालों को डबल ग्रो करेगा, और एक पूरा अंडा इसमें ऐड करेंगे हम। और ये 2 कैप्सूल इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें मिक्सचर को हमको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा हेयर मास्क रेडी है। ये आपने लगाने का तरीका इसका ये है कि आपने अपने बालों को 4 पोर्शन में डिवाइड कर लेना है, और उसके बाद थोड़े थोड़े बाल लेकर रूट से लेकर टिप्स तक आपने अच्छी तरीके से इसको बालों में अप्लाई करना है, और फिर उसके बाद आपने शॉवर कैप पहन लेनी है बालों में, और तकरीबन 40 to 45 मिनट्स तक इसको लगा रहने दें। और अगर आपके पास शॉवर कैप नहीं है तो आपने जो नॉर्मल प्लास्टिक शॉपर होते हैं वो भी आप अपने सर पर लगा सकते हैं। तो जब 40 to 45 मिनट्स हो जाएं तो आप अपने बालों को वॉश करेंगे, तो फर्स्ट वॉश से ही आपको अपने बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा इसका। आपको अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसको अपने बालों में तकरीबन 1 वीक में 2 बार लगाना है। इससे आपके बालों की जितनी भी फ्रिजनेस है वो सब ख़त्म हो जाएगी, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनी और सॉफ्ट लुक देंगे आपको, और बालों में अगर जुएं हैं आपके तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएंगी, और ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी आपके बालों की। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।